राउंड थ्री की चॉइस फिलिंग जो है आपकी 21 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। कैसे करनी है, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग है आपकी, इस फोर्थ राउंड से पहले लास्ट चॉइस फिलिंग है। अगर इस चॉइस फिलिंग में आपने कोई गलती कर दी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आप स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और उससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जरूरी है देखनी, आपको अच्छे से इसको समझना है। जो चॉइस फिलिंग मैंने बताई हुई है उसी रूल्स को फॉलो करना है, बट यहाँ पर कुछ एक अलग चीज है। जिन बच्चों ने सेलेक्टेड कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाले थे, उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे कॉलेजेस जितने भी हैं जो आपकी रैंक तक जा रहे हैं वो फिल कर दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आप यहां पर सेलेक्टेड कॉलेज डालोगे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपका एक राउंड का नुकसान हो जाएगा। स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने को मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि स्लाइडिंग राउंड में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे, यानी स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट जा पाएंगे जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी सीट अलॉट करके यहाँ पे फीस पे कर दी है 96,000 रुपीज। और आपको पता है काफी सारे स्टूडेंट्स फीस पे नहीं कर पाते हैं या सर्वर इश्यू की वजह से उनका फीस पेमेंट नहीं हो पाता है और वो अटक जाते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड से बाहर हो जाएंगे। स्लाइडिंग राउंड में आपको यहाँ पर कॉलेज भी और ब्रांच भी अपग्रेड होने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, चाहे आप दिल्ली से हो चाहे आउटसाइड दिल्ली से हो। तो स्पोर्ट राउंड से पहले अगर आपको स्लाइडिंग राउंड में जाना है तो राउंड थ्री में सारे कॉलेज भर लो, कोई भी लोअर कॉलेज पकड़ लो, और स्लाइडिंग राउंड में एक देखो आप कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है। अगर आपको कोई बेकार कॉलेज भी स्लाइडिंग राउंड में अलॉट हो जाता है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको एडमिशन लेना है, आप विड्रॉल भी करवा सकते हो और स्पोर्ट राउंड में दोबारा से जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। 96,000 रुपीज आप दोगे वो आपको वापस विड्रॉल हो जाएगा 31 जुलाई से पहले, आप ऑनलाइन ही बटन दबा के विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। पर स्लाइडिंग राउंड में आपको चांस मिल जाएगा देखने का कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट क्या मिल सकता है स्पोर्ट राउंड से पहले। इसलिए चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है कि आपको सारे कॉलेज जितने भी हैं आईपीयू के, मान लो आपकी रैंक 10 लाख है, तो आपको पता है मुझे सोनीपत वाला कॉलेज मिल सकता है, लोवेस्ट जो कॉलेज है वो मिल सकता है, तो आप सारे कॉलेज की जो है उस हिसाब से आप देखो कि राउंड टू में जो कट ऑफ गई है उस हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वहां तक आप फिल कर दो, ताकि आप राउंड थ्री में कोई ना कोई कॉलेज ले लो और उस हिसाब से आप फीस पे कर दो और स्लाइडिंग राउंड में चले जाओ। तो राउंड थ्री की चॉइस फिलिंग आपको ऐसे करनी है, मेरे हिसाब से आपको ऐसी करनी चाहिए, बाकी आपकी एक अपनी समझ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा, ताकि आपको स्लाइडिंग राउंड में मौका मिल जाए एडमिशन लेने का, और स्लाइडिंग राउंड में हो सकता है आपका कॉलेज एक अच्छा अपग्रेड हो जाए, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड में कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा तो रैंक के जो गैप होगा वो काफी अच्छे लेवल पे जाने की उम्मीद है। आपने देखा होगा राउंड वन से राउंड टू में कितना अच्छा खासा रैंक का आया है उछाल, राउंड थ्री में इतना नहीं आएगा क्योंकि राउंड थ्री में फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बट यहाँ पर स्लाइडिंग राउंड में फिर से आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊं स्लाइडिंग राउंड की, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। बाकी राउंड थ्री का जैसे कट ऑफ आएगा उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे आती मिस ना हो पाए, क्योंकि अभी एडमिशंस का टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम है, और अभी आपने इंपॉर्टेंट मिस कर दी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है एडमिशन लेने में। एक एक दिन यहाँ पर कुछ भी कभी भी नोटिस निकल जाता है आईपी का, सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है इन लोगों का, आईपी यूनिवर्सिटी का, कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है, हर एक चीज यहाँ पे ऑन द स्पॉट चलती है। तो आपको पल पल की अपडेट जो है चैनल पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, पिन कमेंट में लिंक है टेलीग्राम का भी। और पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हो rishabhjainofficial.in पे, वहाँ पे आपको पर्सनल सपोर्ट के लिए, काउंसलिंग सपोर्ट के लिए सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी इशू आता है आप कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम rishabhjainofficial पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, चीजें समझ आई होंगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बाकी की पुरानी वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने हर एक चीज बताई हुई है एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, फीस स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आईपीयू की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, आई कार्ड में जाकर जरूर से चेकआउट कर लो और सारे की सारी जो क्वेरीज अपनी क्लियर कर लो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।